प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज फिर 19 नवंबर 2020 दे ले प्रभु का बड़ा धन्यवादी हाँ और सुबह सवेर तुहाडे सामुख लाइव होया हाँ और इस करके कि अज असी वो प्रार्थना जिहड़ी गैतसमनी बाग के अंदर की गई है जो यूहन्ना 17 है असी इनू थोड़ा जा अज लवांगे क्योंकि इस प्रार्थना के अंदर प्रभु तन मन तो प्रार्थना कर रहा है और इस तरह जापता है कि चेले भी उहदे नाल ने और वह सौ रहे ने और प्रभु उन्होंने जगाउंदा है पर प्रार्थना विच अपने चेलियां लई ओ प्रार्थना करदा है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे वो अपने चेलियां लई बड़े दिल जान दे नाल प्रार्थना कर रहा है और असी पढ़ते हाँ ये प्रार्थना काफ़ी लंबी प्रार्थना है और इस दे अंदर प्रभु काफ़ी देर तक गैतसमनी बाग दे अंदर दुआ करता रहा। मेरे अजी जो जदों मैं गैतसमनी बाग दे एक कोने ते खड़ा सी ये 2012 दी 30 तरीक सी जदों मैं बाग दे सामने खड़ा सी और मेरिया अखां दे विच अथरू सन क्योंकि मैं उन्हां रुखां दे नाल गल्लां कर रहा सी जिन्हां रुखां दे थल्ले मेरा मसीहा आराम करदा रहा और अपने चेलियां दे नाल अक्सर उत्थे इकट्ठा हुंदा सी। अज मैं तुहाडे सामने उस गैतसमनी बाग दे अंदर जिहड़ी लास्ट दुआ कीती गई है मैं उहदे बारे विच तुहाडे सामने हाजर हाँ और चाहुंदा हाँ कि प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। आओ असी पढ़ांगे प्रभु दे वचन दे अंदरों और मैं 16 अते 17 यूहन्ना 17 बाब दी 16 अते 17 आयत तुहाडे सामने पढ़नी चाहुंदा हाँ। लिखत कहिंदी है ओ जगत दे नहीं हन जिवें मैं जगत दा नहीं हाँ उन्हां नूं सच्चाई नाल पवित्र कर तेरा वचन सच्चाई है। मेरे अजी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तुसी इस जगत दे हुंदे ते इह जगत तुहानू प्यार करदा पर मैं तुहानू जगत विचों चुन लिया है इस करके जगत तुहाडे नाल वैर करदा है। इस करके प्रार्थना विच यूहन्ना 17:16 विच कह रहा है ये जगत दे नहीं हन जिवें मैं जगत दा नहीं हाँ उन्हां नूं सच्चाई नाल पवित्र कर तेरा वचन सच्चाई है। मेरे अजी जो असी प्रभु दे वचन नूं जद पढ़दे हाँ ते जे किसी मनुख ने पवित्र होना है ते उस सच्चाई नाल पवित्र हो सकता है और सच्चाई खुदा दा जिउंदा वचन है। मैं कई लोगों नूं जानता हाँ जिहड़े वचन पढ़दिआं वी उन्हां दीआं अखां विच अथरू हुंदे ने क्योंकि वचन उन्हां दे अंदर जा रिहा हुंदा है। कई लोग प्रार्थना करदे वी रोंदे ने क्योंकि वह प्रार्थना विच उन्हां दा दिल टुट्टिआ हुंदा है जिस तरह साडे खुदावंद यीशु मसीह दिल तो प्रार्थना कर रहा सी
इस तरह कई लोग विखावे की प्रार्थना नहीं पर दिल तो प्रार्थना करते ने ता जो अपने प्रभु नू पसंद आ सके। मेरे अजीजो अज थोड़िया जिहा आयतां मैं तुहाडे सामने रखन लई जा रहा हाँ। मैं सुबह सवेर जद उठिया चढ़दे सूरज की धुप विच मैं पढ़ रहा सी और एकत समनी बाग दे अंदर जिहड़ी प्रार्थना हुई है मैं इहदे बारे पढ़ रहा सी। अजीजो इत्थे लिखिया है ओ जगत दे नहीं हन जिवें मैं जगत दा नहीं हाँ और उन्हां नूं सच्चाई नाल पवित्र कर तेरा बचन सच्चाई है। हुण असीं देखते हाँ कि खुदा दा वचन इन्ना सच्चा है इन्ना शक्तिशाली है इन्ना सच्चा है कि इहदे सामने जमीन अते आसमान टल सकते ने पर यह वचन जिहड़ा है यह कदे भी टल नहीं सकता। अजीजो मैं तुहानू मत्ती 24:35 दे विच्चों कह रहा हाँ और उत्थे साडे खुदावंद येसु मसीह ने कहा जमीन अते आसमान टल जाणगे पर मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे नहीं टलणगे। हुण इत्थे असीं पढ़ रहे हैं यूहन्ना 17:18 आयत विच पढ़ रहे हैं। पहला तो 16 विच लिखिया कि वचन कहिंदा है ओ जगत दे नहीं हन जिवें मैं भी जगत दा नहीं हाँ उन्हां नूं सच्चाई नाल पवित्र कर क्यों जो तेरा वचन सच्चाई है। अजीजो 18वीं आयत कह रही है कि 18 आयत प्रभु बहुत वड्डी कृपा देवे जिस तरह तू मैनू जगत विच कल्या मैं भी उन्हां नूं जगत विच कल्या। कदों कल्या मत्ती 10 दी पहलियां आयतां दे अंदर चेलियां दे नां लै लै के उन्हां नूं संबोधन कीता और ओ उन्हां दे नां लै के दसे गए ने भई ये केड़े केड़े चेले सन जिहड़े जिन्हां नूं येसु मसीह ने जगत दे अंदर कल्या सारे लोकां दे अंदर कल्या। की तुसी मैनू मत्ती दी अंजील और उसका 10वां अध्याय पढ़ लैन दोगे? हाँ मैं जरूर पढ़ांगा प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे। और इत्थे लिखिया है उसने अपने 12 चेलियां नू कोल सद के उन्हां नू अख्तियार दिता जो भ्रिष्ट आत्मा नू कढ़न अते सारे रोग अते सारी मांदगी नू दूर करन। 12 रसूलां दे ए 9 हन पहला शमाउन जिहड़ा पतरस कहाउंदा है अते उहदा भरा इंद्रियास अते जबदी दा पुत्र जाकूब अते उहदा भरा यूहन्ना फिलिपस अते बरतनमई थोमा अते मत्ती मसूलिया हलफाई दा पुत्र याकूब दथई शमाउन कनानी शिमाउन कनानी अते जहूदा इसकर ज्योति जिसने उन्हों फड़वा दिता सी। और उन्हां नूं 5वीं आयत विच कह रहा है इन्हां 12 नूं येसु ने कल्या अते उन्हां नूं ए आग्या दे के कहा तुसी पराईयां कौमां दे राह ना जाना अते ना सामरिया दे किसे नगर विच वड़ना सगों इसराइल दे घराने दियां गवाचियां हुईयां भेड़ां कोल जाओ।
प्रभु तुहानू कृपा दवे। और लिखत कहिंदी है तुरदे तुरदे प्रचार करके आखो भाई स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। ए सी उन्होंने जगत दे विच कलना। और इस तो पहला कि खुदा का वचन सारे जगत विच जावे उन्होंने जरूर उसने इसराइल दियां गवाचियां होईयां भेड़ां दे कोल कर लिया। क्यों? इस करके कि पहल जिहड़ी है वह इसराइल नूं दित्ती पर इसराइल ने उन्हों पहचानिया नहीं। इसराइल ने उन्हों पहचानिया नहीं। और यूहन्ना पहले बाब की 11 आयत विच लिखा हुआ है वो अपनियां दे घर आया अते जिहड़े उहदे अपने सन उन्होंने उसनूं कबूल नहीं किया। मेरे अजीजो जिवें अज भी हो रहा है, जिवें अज भी हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसके उस सच्चे सेवक जेड़े वचन सच्चाई का वचन लैके जाते ने और वो वचन के नाल खलोंदे ने, जिवें यूहन्ना दी अंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 31 आयत विच यीशु मसीह ने कहा जिन्ना यहूदियां ने ओदी प्रतीत कीती सी उन्होंने कहा जे तुसी मेरे वचन ते खलोते रहो तो ठीक तुसी मेरे चेले हो। और 32 आयत विच लिखा सच्चाई नू जानोगे अते सच्चाई तुहानू आजाद कर देवेगी। अज बहुत सारे बंधन इस जगत विच मसीहा नू पाए हुए ने, उन्हां लोकां ने जिहड़े सच्चाई नू जानना पसंद नहीं करदे। पर इत्थे वचन कहिंदा है यूहन्ना 17:17 दे अंदर उन्होंने सच्चाई नाल पवित्र कर, तेरा वचन सच्चाई है। इस करके अजीजो किन्ना जरूरी है कि असी सच नूं जान लईए और सच्चाई लैके जगत दे विच जाइए। क्योंकि चेले जिहड़े ने जद उन्होंने जगत विच कल्या गया पहले उन्होंने इसराइल दियां गवाचियां हुई भेड़ां दे कोल कल्या गया, पर जद सलीब दे उत्ते दिता गया साडा खुदावंद यीशु मसीह और सलीब दे उत्ते उसने अपनी जान दिती। और झूठ अज भी जगत दे विच ये फैलदा है। लोग झूठ बोलते ने, वह कहते ने यीशु सलीब ते नहीं मरिया। जद के बाइबल का एक एक शब्द जिहड़ा है वह सच अते आमीन है। वह कहते ने वह सलीब ते नहीं मरिया। याद रखो वह पुत्र होण दा भी इनकार करते हैं पर वह मसीहा दे नहीं हैं। अगर मसीहा दे हुंदे ते ओ प्रभु यीशु मसीह दे अगे झुक जांदे और सच्चाई नूं जान लैंदे, उन ओ सच्चाई नाल पवित्र हो जांदे। क्यों? जो वचन कहिंदा है उन्हां नूं सच्चाई नाल पवित्र कर, क्यों जो तेरा वचन सच्चाई है। और 18वीं आयत विच मैं तुहाडे नाल हाँ इत्थे और लिखत कहिंदी है 18वीं आयत जिस तरह तू मैनू जगत विच कल्या मैं भी उन्हां नू जगत विच कल्या अते उन्हां दे कारण मैं आप नू संकल्प करदा हाँ ता जो ओ भी सच्चाई विच संकल्प होण।
मैं निरा इना ही ले प्रार्थना नहीं करता, पर उन्होंने भी जेडे इना दे वचन नाल मेरे उत्ते निष्ठा करनगे। प्रभु तेरी सारी बरकत दवे। जदों आए तू नहीं आउंदी आ ते मैनू याद आउंदा है यीशु ने मूर्तियां विचों जी उठ के की कहा सी। उसने मत्ती 28 दी 18 आयत विच अपने चेलियां नू कहा सी, जमीन अते आसमान दा सारा अख्तियार मैनू दिता गया है। जमीन अते आसमान दा सारा अख्तियार मैनू दिता गया है। और असी वेखदे हाँ उसने अपने बचन दे बारे जो मैं पहला बोल चुकिया हाँ, उसने बड़ा पक्का करके आख्या होया है भई जमीन अते आसमान टल जाणगे, पर मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे नहीं टलणगे। और उसने मुर्दिया चो जी उठ के अपने चेलियां नू वचन दे नाल दलेर कर दिता और उन्होंने कहा जमीन अते आसमान का अख्तियार मैनू दिता गया है। और इस करके असी देखते हाँ कि उसने लूका 24:47 विच कह दिता, यरूशलेम तो लैके धरती दे बन्या तक तौबा अते पापां दी माफी दा प्रचार कीता जावेगा। और किन्ना ने करना सी धरती दे बन्या तक? मेरे अजीजो एक खाली हथी वचन जांदा है, इन्हां हत्थां विच कुछ नहीं हुंदा, पर इह सच्चा वचन है जिहड़ा मनुख नूं सच्चाई दे नाल पवित्र करदा है। प्रभु तेरी सारी बरकत दवे। तो असी जदों पढ़दे हां मार्कस 16:16 नूं, और उत्थे लिखा है जिहड़ा निश्चा करे अते बपतिस्मा लवे ओ बचाया जावेगा। जिहड़ा इस वचन उत्ते निश्चा करे अते बपतिस्मा लवे ओ बचाया जावेगा, पर जिहड़ा प्रतीत ना करे ओदे उत्ते सजा दा हुक्म कीता जावेगा। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दवे। ये वचन है, मैं तुहानू 3 आयतां दस दित्तियां हन, और ये जिहड़ियां मुर्दियां चो जी उठ के सारे जगत विच उसने कईयां ने, पर इत्थे मैं 19 आयत यूहन्ना 17 दी 19 आयत तुहाडे सामने रखी है। और ओए है अते उन्हां दे कारण मैं आप नूं संकल्प करदा हां तां जो ओ वी सच्चाई विच संकल्प होण। मैं निरी इन्हां दे लई बेनती नहीं करदा हां, पर उन्हां दे लई वी जिहड़े इन्हां दे वचन नाल मेरे उत्ते निश्चा करनगे। खुदावन बहुत वड्डी कृपा दवे। तो मैं दसना चाहुंदा हां कि किस ना इस सच्चाई का संदेश सारी दुनिया के अंदर गया, और ये पहली सदी के अंदर असी वेखदे हां कि संत पौलुस पहली सदी के सन 53 तो अपने प्रचार नूं शुरू करता है और सारे जगत विच जान की कोशिश करता है, और इत्थों तक कि वह प्रचार करते करते कहिंदा है रोम विच, और रोम विच गवाही देनी चाहुंदा है। जबकि असी देखते हैं लंघदा होया वह रोम वल नूं जांदा है और अपनी गवाही देंदा है।
और अपनी गवाही जो शुरू में देता है वो कहता है मैं मनुख दे कोलों सिखाया नहीं गया और उन्हों किन्ने सिख्या दित्ती सी उन्हों सिख्या देन दे बारे सानू रसूला दे करत उस दे नामे अध्याय विच जाना पवेगा और जरूर नामा अध्याय मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा हां क्योंकि चेले जड़े ने इस सिद्धे खुदाब यीशु मसीह तो सिखाए गए ने इन्हां नूं किसे मनुख ने नहीं सिखाया और ये सिद्धे सिखाए गए ने और ये मास्टर दे कोलो सिखाए गए ने मास्टर साडा खुदाबंद यीशु मसीह है और इत्थे लिखत कहिंदी है कि मैं नौ दी तीन पढ़नी चाहुंदा हां तो वचन कहिंदा है जां वो चलिया जांदा सी तां इउं होया जो दमिश्क दे नेड़े जा टुकिया अते अचानक आकाशों एक जोत ओदे च फेरे चमकी तां ओ पुंजे डिग पिया अते एक आवाज सुनी जो ओ कहिंदी सी हे सौलस तू मैनू क्यों सताउंदा है ये आवाज सी मैं हाथ उठा के कहना आवाज खुदावंद यीशु मसीह दी सी जिसने पौलस नू सिखाउणा सी और उस वेले जदों थले कोड़े तो थले डिग पिया और एक आवाज एक तेज रोशनी ने ओदे उत्ते प्रहार कीता और ए तेज रोशनी सूरज नालों तेज रोशनी ओदे उत्ते चमकी सी जिस ने उसनू पुंजे सुट दिता और घोड़े तो थले डिग पिया और जदों थले डिग पिया एक आवाज आउंदी है और ए आवाज कहिंदी है हे सौलस तू मैनू क्यों सताउंदा है और उसने थले डिगे हुए ने कहा प्रभु जी तू कौन है प्रभु जी तू कौन है और उसने कहा मैं यीशु हां जिसनू तू सताउंदा है छेवीं आज कहिंदी है पर उठ अते शहर विच जा और जो कुछ तेनों करना चाहिदा है सो तेनों दसिया जावेगा जा संत पौलुस शहीद होन लग्या और उस वेले उन्हां रोमी अफसरां ने पुछया तू शहीद हो जाण वाला है तेरी सेवा दा की बनेगा तू अति दुनिया नू मसीह बना दिता है तेरी सेवा दा की बनेगा उन्हें कहा मैं दीपक जलाए हन और उन्हां दीपकां तो जे एक एक दीपक भी होर जल जाए ते मेरी सेवा नू कोई फेल कर नहीं सकता मेरे जी जो ए बाइबल कदे फेल नहीं हुई एक कदे फेल नहीं हुई ना इहदे विच झूठ लिखिया गया है क्योंकि इहदी सारी लिखत जिहड़ी है वह पवित्र आत्मा तो है सिख्या ताड़न सुधारण अते धर्म दे गजाउण लई गुणकार है तां जो परमेश्वर दा बंदा तैयार कीता होया होवे तो असीं वेखदे हाँ उन्हां ग्यारह चेलियां नूं वेखदे हाँ यहूदा इस्कर ज्योति दी थां खाली है चेलियां ने उत्थे किसे होर नूं फिट कीता पर याद रखो चेले नहीं सी फिट कर सकते बारहवें रसूल नूं
मैं हाथ उठा के कहिंदा हां यीशु मसीह 12 नंबर नू आप फिट करता है। और वचन कहिंदा है कि चल तैनू दसिया जावेगा पर तू की करना है। और जिहड़े खुदा दे छुड़ाए हुए हुंदे ने ਉਹ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ, जे कोई इस आवाज नू सुनता है, खुदा दे वचन दी आवाज नू, और अज परमेश्वर दे वचन नाल पवित्र हो सकता है। जो वचन दा आज्ञाकार होवेगा वह वचन नाल पवित्र हो जाएगा। मनुखां दी पवित्रताई नाल नहीं, पर परमेश्वर दे जिउंदे वचन नाल पवित्र होवेगा। लिखता पवित्र कर दिया हन मेरे अजीजो, पर जे उन्होंने दिल विच रख्या जावे ता पवित्रताई दा आत्मा उन्हां मनुखां दे उत्ते आके ठहर जांदा है और उन्होंने सिखाउणा शुरू करदा है और वो हर झूठ तो आजाद हो जांदे हन। जिवें लिखत कहिंदी है, सच्चाई नू जानोगे, यूहन्ना 8:32, सच्चाई नू जानोगे अते सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। और फिर मैं कहना चाहुंदा, हे पिता उन्हानू सच्चाई नाल पवित्र कर, क्यों जो तेरा वचन सच्चाई है। आओ असी प्रार्थना करांगे। साडे जिउंदे प्रभु यीशु मसीह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन सच ते आमीन है। और खुदा भी इस मसीह, जमीन अते आसमान टल जाएंगे पर तेरा वचन कदे नहीं टलेगा। प्रभु तू अपने बच्चों नूं बरकत दे। धन्यवाद होवे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हां, आमीन।